बताना है 1188 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसको डिवाइड करके, किसी नंबर से डिवाइड करके उसके क्वेश्चन को परफेक्ट क्यूब बनाओ। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालूंगी 1188 के। 1188 एक इवन नंबर है, 2 के टेबल में ज़रूर आएगा। 2 5 10, 2 9 18, 2 4 8 फिर से प्राइम नंबर, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा। ये 3 के टेबल में आएगा क्योंकि सम डिजिट्स का 18 है। 3 9 27, 3 9 27, ये फिर 3 के टेबल में आएगा, ये फिर 3 के टेबल में आएगा, और ये फिर 11 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे जो मेरे प्राइम फैक्टर आए 1188 के, वो आए 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स ये ट्रिपलेट बनाना चाहिए इसको। तो ये सिर्फ 3 ट्रिपलेट बना रहा है। 2 और 11 के जो फैक्टर्स आए हैं, 2 और 11, वो 3 3 नंबर में नहीं आए, यानी कि ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो देयरफॉर 2 and 11 डज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो देखो क्या होगा, इस सब इन सबको हटा दो, डिवाइड करने में हटाते हैं, हटा दिया। 2 2 4 यानी कि 44, यानी कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर 44 है जिससे हम 118 को डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये क्या बैठेगा, परफेक्ट क्यूब। नाउ परफेक्ट क्यूब हमें निकालना है, तो आपका परफेक्ट क्यूब होगा 1188 डिवाइडेड बाय 44। जब आप 1188 को 44 से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर आएगा 27, और ये 3 का क्यूब है। थैंक यू।